हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द नॉवेलिस्ट रिटन बाय W.H. ऑडन. सो पोएट कह रहे हैं, इनकेस्ड इन टैलेंट लाइक अ यूनिफॉर्म, यानी वो अपने ही टैलेंट में इनकेस्ड है, बंद है, मानो ये कोई टैलेंट ना हो, एक यूनिफॉर्म हो जो उसने पहनी हुई है और उस यूनिफॉर्म के अंदर उसका पूरा टैलेंट बंद है. द रैंक ऑफ एवरी पोएट इज वेल नोन, यानी हर पोएट की सोसाइटी में एक रैंक है. उसे किस तरह से ऑनर मिलता है, इज्जत मिलती है एक सोसाइटी में, ये वेल नोन है और ये हम सभी जानते हैं. दे कैन अमेज अस लाइक अ थंडर स्टॉर्म, यानी वो हमें अमेज्ड कर सकते हैं, चौंका सकते हैं बिल्कुल आंधी तूफान की तरह. जैसे कोई आंधी अचानक से आ जाती है और हवा चलने लगती है और हम लोग ना उसको देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि नेचर में ये किस तरह की एनर्जी है. बिल्कुल वैसा ही शॉक हमें एक पोएट की वर्क से भी मिलता है. आखिर एक नॉर्मल ह्यूमन ने इस तरह की पोएट्री कैसे लिख दी. और डाई सो यंग और लिव फॉर ईयर्स अलोन, और साथ ही वो हमें इस बात से भी चौंका देते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं या कई साल जीते हैं मगर बिल्कुल अकेले अपनी पोएम्स में खोए हुए. दे कैन डैश फॉरवर्ड लाइक हुशार्स. फ्रेंड्स, हुशार का मीन्स होता है जो सैनिक होते हैं ना, जो मतलब घोड़े को चलाते हैं और उनके पास कुछ हथियार भी होते हैं, तो उनको ना हुरास कहते हैं. सो पोएट अब कह रहे हैं, उन हुसार्स की तरह ये पोएट भी आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. बट ही मस्ट स्ट्रगल आउट हिज बॉयश गिफ्ट एंड लर्न. अब यहाँ पोएट कहते हैं कि जो नॉवेलिस्ट हैं उनकी जो लाइफ है वो ना पोएट्स की तरह नहीं होती है, बल्कि उसके टैलेंट को बॉयश माना जाता है और उससे इस टैलेंट से लड़ना सीखना होता है. उससे उम्मीद किया जाता है कि वो अपने टैलेंट को एकदम मैच्योर करे और तब अपनी वर्क्स को कंटिन्यू करे. हाउ टू बी प्लेन एंड ऑकवर्ड, और साथ ही उसे सीखना होता है कि कैसे वो अपनी बातें एक प्लेन लैंग्वेज में लिखे, सिंपल भाषा में लिखे, मगर साथ ही वो कैसे हो तो बिल्कुल ऑकवर्ड. यानी दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए उनकी वर्क में, सिंपल भी होनी चाहिए और कुछ कुछ ऑकवर्ड होनी चाहिए कि जहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाए. हाउ टू बी वन आफ्टर होम नन थिंक इट वर्थ टू टर्न, और वो कैसे वो ऐसा बने जिसके पीछे कोई भी मुड़ना ना चाहे, यानी कोई भी उसके प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए. ऐसा बनना भी उस नॉवेलिस्ट को सीखना होगा, क्योंकि जो नॉवेलिस्ट का जो प्रोफेशन है वो कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो लोग उस प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते हैं और नॉवेलिस्ट की तरफ लोग मुड़ कर भी नहीं देखते हैं. फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत पहले लिखा था, तो तब के टाइम में नॉवेलिस्ट की कोई भी मतलब इज्जत नहीं करता था, बट अब जितने भी नॉवेलिस्ट हैं ना उनकी लोग बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और पढ़ते भी हैं. फॉर टू अचीव हिज लाइटेस्ट विश, क्योंकि उसे अपनी जो सबसे सिंपल जो ज़रूरत है, उसकी जो इच्छा है, अगर वो उसे पूरा करना है, He must become the whole of boredom. तो उसको ना पूरी तरह से बोरिंग बनना होगा, तभी उसकी वर्क्स में एक तरह की गहराई मानी जाएगी. अगर कोई एक नॉवेलिस्ट है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करता है और वो अपनी जो उसकी नॉवल होगी उस पर एक बहुत ही ज़्यादा अपसेट सा लिखेगा, कोई भी उसकी बात को ना सीरियस में नहीं लेगा, इसलिए उसको खुद भी बोरिंग बनना होगा, सीरियस बनना होगा, ताकि उसकी वर्क्स पर ध्यान दिया जाए. सब्जेक्ट टू वल्गर कंप्लेंट्स लाइक लव,
और साथ ही उसे ना बेकार सी प्रॉब्लम से गुजरना होगा, जैसे कि लव। क्योंकि प्यार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, अकॉर्डिंग टू द पोएट। और ये जो नॉवेलिस्ट है उसको इस बात पर भी ध्यान देना होगा, इसके बारे में भी अपनी नॉवेल्स में लिखना होगा। अमोंग द जस्ट बी जस्ट, अमोंग द फिल्थी फिल्थी टू, यानी अच्छे लोगों के बीच तो उससे भी अच्छा बनना होगा और बुरे लोगों के बीच बुरा बनना होगा। हर जगह के हिसाब से उसको खुद को ढालना होगा और बदलना होगा। एंड इन हीज ओन वीक पर्सन, यानी वो इंसान अंदर से जैसा भी रियल है उससे इफ ही कैन मस्ट सफर डली ऑल द रॉन्ग्स ऑफ मैन, यानी अगर हो सकता है तो उसे डल होकर बिना कुछ कहे अपने साथ होने वाली हर गलत चीजों को सहना होगा। यानी भले ही लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि तुम समय वेस्ट करते हो और कहाँ है तुम्हारे नॉवल, इतना समय क्यों लग रहा है, या तुम्हारी जो नॉवल्स हैं वो बेकार हैं, कई सारी बातें उसे कही जाएंगी, मगर उसको ना चुपचाप ये सारी बातें सुननी पड़ेंगी, तभी वो एक अच्छा नॉवलिस्ट बन सकेगा। इतना सब कुछ ट्रबल सहने के बाद जब वो निकलेगा बाहर, तब उसकी जो ट्रू आर्ट होगी तो वो बाहर आएगी। सो फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। सो इस पोयम में यही डिस्क्राइब किया गया है कि जो नॉवलिस्ट की लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, कि किस तरह से सोसाइटी नॉवलिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है और इतनी परेशानियों से एक नॉवलिस्ट गुजरता है, तो ये इस पोयम में बताया गया है। आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये पोयम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।